हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यूनिक ऑनलाइन गुरु में सबका स्वागत है। चलिए आज के वीडियो में हम जनरल एंट्री पढ़ाएंगे। कल हम आपको अकाउंटिंग पढ़ाए थे और अकाउंट के बाद अकाउंट, उसमें हमने बताया था कि अकाउंट पढ़ने के बाद हम लोग आपको जनरल एंट्री पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग जनरल एंट्री देते हैं। जनरल एंट्री करने से पहले मैं आपको अकाउंट का फिर से एक बार रिविजन करा देता हूँ कि अकाउंट क्या होती है, ठीक है, उसी गोल्डन रूल्स, उसके बाद हम अपने जनरल एंट्री को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बताया था कि गोल्डन रूल्स, ठीक है, गोल्डन रूल्स। एक बताया था ना गोल्डन रूल्स, आपको बताया था गोल्डन रूल्स में, आपको तीन रिंग बताया था। पहला था पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। दूसरा था हमारा रियल अकाउंट, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या था, नॉमिनल अकाउंट। इतना मैं आपको बताया था, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो हम जनरल एंट्री नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए जनरल एंट्री बताते हैं। कि इन तीनों का गोल्डन रूल्स क्या था, ठीक है। देखिए, पहला जो था हमारा पर्सनल, क्या था, पर्सनल अकाउंट था। और पर्सनल अकाउंट में बताया था कि पर्सनल अकाउंट हमारा किससे संबंधित होता है, पर्सन से संबंधित होता है। किससे? पर्सन से। पर्सन कहने का मतलब ये है कि ये किसी संस्था या किसी व्यक्ति के नाम या किसी कंपनी के नाम से जुड़े होते हैं, ठीक है। अगर किसी संस्था, किसी व्यक्ति या किसी कंपनी के नाम से अगर कोई अकाउंट हम बना रहे हैं तो वो हमारे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इसका गोल्डन रूल्स क्या कहता है, इसका गोल्डन रूल्स कहता है, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर इसका गोल्डन रूल्स कहता है डेबिट इज द रिसीवर, ठीक है। कहता है डेबिट इज द रिसीवर, यानी कि जो पाने वाला होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है। और फिर बताया था मैं क्रेडिट इज द गिवर, ठीक है, कि जो देने वाला होता है वो क्रेडिट होता है। तो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत बताया था कि जो पाने वाला होता है यानी जो प्राप्तकर्ता होता है वो हमारा डेबिट होता है, और जो गिवर होता है यानी कि जो देने वाला होता है वो क्रेडिट होता है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या बताया था आपको, रियल अकाउंट बताया था, ठीक है। रियल अकाउंट में मैं क्या बताया था कि रियल अकाउंट हमारे किससे संबंधित होता है, एसेट से, यानी कि एसेट मतलब क्या बताया था, संपत्ति से, ठीक है, एसेट संपत्ति। जिसमें मैं क्या बताया था आपको, इसमें बताया था मैं कैश, कंप्यूटर, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का हमारा गोल्डन रूल्स क्या कहता है, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल्स क्या कहता है, डेबिट वाट कम इन और क्रेडिट वाट गो जाओ। तो ये देखते का जो गोल्डन रूल्स कहता है हमारा डेबिट व्हाट कम इन, कहता है डेबिट व्हाट कम इन, डेबिट कम और क्रेडिट व्हाट हो जाए, ठीक है। इतना मैं आपको बताया था कि पर्सनल अकाउंट का जो पर्सनल अकाउंट का
जो किससे संबंधित होता है, पर्सन से होता है। और इसका गोल्डन रूल क्या कहता है, इसका गोल्डन रूल कहता है कि डेबिट इज द रिसीवर और क्रेडिट इज द गिवर। फिर से हमारा बताया था रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में मैंने बताया था आपको एसेट यानी संपत्ति से संबंधित होती है। और इसमें मैं बताया था आपको कि डेबिट व्हाट कम इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि इसमें जो आता है यानी कोई संपत्ति आ रही है तो डेबिट होगी और जा रही है तो क्रेडिट होगी। जैसे कि कैश हो गई, कैश में नगद या मशीनरी फर्नीचर ये सब क्या चीज़ है, हमारे एसेट है। अगर ये आएगी तो डेबिट होगी और अगर जाएगी तो क्रेडिट होगी। अब आ जाइए आगे देखते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या बताया था, नॉमिनल अकाउंट बताया था कि ये नामांतर खाता होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक्सपेंस और लॉस यानी कि आप कुछ एक्सपेंस कर रहे हैं यानी प्रॉफिट हो रही है कि लॉस हो रही है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप परचेस कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, या फिर किसी को पैसा पेमेंट कर रहे हैं, पैसा रिसीव कर रहे हैं, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। और इसका गोल्डन रूल क्या कहता है कि इसका गोल्डन रूल कहता है डेबिट आल एक्सपेंस एंड लॉस, ठीक है, और क्रेडिट आल प्रॉफिट एंड इनकम, ठीक है, यही कहता है ना। आइए देखते हैं, देख लीजिए क्या कहता है कि डेबिट क्या है, डेबिट आल एक्सपेंस एंड लॉस, डेबिट आल एक्सपेंस एंड लॉस, ठीक है, डेबिट आल एक्सपेंस एंड लॉस, यानी कि जो डेबिट होता है वो एक्सपेंस और लॉस, यानी जहाँ पे कोई चीज़ एक्सपेंस हो रही है या फिर क्या हो रही है, लॉक हो रही है, लॉस, ठीक है, एक्सपेंस हो रही है या लॉस हो रही है, वो हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, वो हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर है और वो डेबिट होंगे। क्रेडिट में क्या होंगे, क्रेडिट में देखिए बताया था कि प्रॉफिट और इनकम होंगे, जो इनकम और प्रॉफिट होंगे वो हमारे क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, इसमें नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। ये देखते हैं कह रहा कि क्रेडिट आज इनकम एंड आप फिर दिखा दो आपको, आइए देखते हैं नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। इसका गोल्डन रूल क्या बताया हूँ, बताया हूँ डेबिट आल एक्सपेंस एंड लॉस और क्रेडिट आल इनकम और प्रॉफिट, देख लीजिए डेबिट आल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट आल इनकम एंड क्या प्रॉफिट, ठीक है। जहाँ एक्सपेंस और लॉस होगी नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत, यानी मान लीजिए कहने का मतलब कोई चीज़ परचेस करेंगे तो लॉस होगी, ठीक है, तो जहाँ एक्सपेंस और लॉस होगी वो हमारी डेबिट होगी, जो हाँ इनकम और प्रॉफिट होगी वो हमारी क्या होगी, क्रेडिट होगी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसके जनरल एंट्री कैसे करेंगे, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं साइड में इन दोनों का रूल गोल्डन रूल लिख लूँ। पहला क्या है, यहाँ पर लिख लीजिए, पहला है पर्सनल अकाउंट, इसका गोल्डन रूल क्या कहता है, कहता है डेबिट, ठीक है, क्या कहता है डेबिट इज द रिसीवर,
लगी थी तो ठीक है, ये हमारा पर्सनल अकाउंट हुआ। उसके बाद क्या बताया हम, उसके बाद रियल अकाउंट। हम रियल अकाउंट, इसका गोल्ड रूल क्या था, इसका था कि डेबिट वॉच कमिंग और क्रेडिट वार्ड हो जाओ। दिख रहा है क्रेडिट वार्ड हो जाओ। अब इसके बाद क्या था, नॉमिनल अकाउंट, क्या था नॉमिनल अकाउंट। इसका गोल्ड रूल क्या कह रहा था, इसका गोल्ड रूल कह रहा था डेबिट आर एक्सपेंस एंड लॉस। ठीक है, एक्सपेंस एंड लॉस। उसके बाद क्या था, क्रेडिट आल इनकम एंड प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट, यही था ना। अभी देखिए इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जनरल एंट्री एक एक करके मैं बताऊंगा, ऐसी देखिएगा तीनों रूल का फॉलो करेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जनरल एंट्री। पहला जो हमारा जनरल एंट्री है, ठीक है, एक सिंपल सी जनरल एंट्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या है यहाँ, मान लीजिए मैं बोलूँ मशीनरी परचेज फॉर कैश, मशीनरी सर यहाँ पर परचेज फॉर कैश, ठीक है, कितने का 1000, यहाँ लिख लीजिए नीचे इसका 1000, ठीक है। 1000 का मतलब 1000 का हम क्या करें, नगद में मशीन जो है उसको परचेस करें, ठीक है। चलिए देखिए कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे हमको आपको दो रू यानी कि दो अकाउंट मिल रहा होगा, कौन कौन सा। पहला आपका मिल रहा है, यहाँ पे सामने आपको दिख रहा होगा, पहला आपका परचेस का मिल रहा है और दूसरा आपका कैश का मिल रहा है ना। आप बताइए कि ये परचेस और कैश ये दोनों कौन से अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, बताइए। देखिए जो हम परचेस कर रहे हैं यानी कि मशीनरी क्या कर रहा है, परचेस कर रहे हैं, और कैश नगद पैसा यानी कह रहे हैं कि परचेस कर रहे हैं। जब परचेस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारा, बताए ना आपको, ये नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत आएगी, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगी। आप देख लीजिए ये आ जाएगी नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत, नॉमिनल। और ये क्या है, बस कैश है, तो कैश हमारा किस में आएगा, रियल में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसका गोल्डन यहाँ सॉरी इसका जनरल एंट्री कैसे बनेगा, देखिए वो बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि परचेस हो रहा है, और परचेस हो रहा है ये बताइए, कोई चीज़ अगर हम मशीनरी है उसको परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंस, ये किसके अंतर्गत आएगी, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है,
नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है, देखिए बता रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। चलिए बताइए, यहाँ पे जब हम मशीनरी परचेस कर रहे हैं तो हमारे पास इनकम प्रॉफिट हो रही है कि एक्सपेंस एंड लॉस हो रही है? भाई एक्सपेंस और लॉस हो रही है। क्या हो रही है? एक्सपेंस और लॉस हो रही है, क्योंकि अगर चीज़ हम कोई खरीदेंगे तो हम पेमेंट कराएंगे, तो हमारे पास से कोई चीज़ एक्सपेंस करेंगे तभी तो खरीदेंगे, यानी कि कैश एक्सपेंस करेंगे तो हम कोई माने कोई भी सामान गुड्स खरीदेंगे तभी तो एक्सपेंस करेंगे तभी तो खरीदेंगे। चलिए देखते हैं सर कैसा बनता है। तो ये जब परचेस करें, क्या परचेस करें, मशीनरी, तो मशीनरी हमारा क्या हो जाएगा, डीआर हो जाएगा। और रियल अकाउंट में कैश क्या कहता है, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है, कहता है कि डेबिट व्हाट कम इन, क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम इन और क्रेडिट व्हाट गो आउट। यानी कि जो इसमें रियल अकाउंट का जो एसेट से संबंधित है, किससे संबंधित है, संपत्ति, यानी कि संपत्ति में हमारा कैश, ठीक है, अब बताया था कैश कंप्यूटर मशीनरी ये सब हमारे रियल अकाउंट में रहेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि जो ये रियल अकाउंट में कहता है कि डेबिट व्हाट कम इन और क्रेडिट व्हाट गो आउट, यानी कि अगर कोई चीज़ हमारे पास आ रही है तो डेबिट होगी और जा रही है तो क्रेडिट हो जाएगी। ये बताइए रियल अकाउंट ये है, ये हमारे पास आ रही है कि जा रही है? भाई हम परचेस कर रहे हैं, जब परचेस कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, हम कैश यानी नगद 1000 रुपये उसको पेमेंट कराएंगे तो जाएगी ना, तो जाएगी तो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसका कैसा बनता है, तभी आप हम कैसे बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। देखिए अब अगर आप इसका बनाएंगे मशीनरी मशीनरी अकाउंट डीआर, और देखिए जनरल एंट्री बनाते समय उसके नीचे हम थोड़ा सा स्पेस देखिए क्या लिखते हैं, टू, उसके बाद उसके अकाउंट देखते हैं, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, क्या कैश अकाउंट, ठीक है, सीआर नहीं लिखते हैं। अब इसके आगे जो इसका अमाउंट डाल देंगे, मान लीजिए इसका अमाउंट कितना है 1000, और इसका यहाँ पर 1000, समझ में आ गया, क्योंकि क्रेडिट और हमारा डेबिट, क्रेडिट और डेबिट दोनों हमारा इक्वल होना चाहिए, अगर दोनों इक्वल होगा तभी हमारा जनरेंटी सही होगा। एक टैली में आप जब हम पढ़ाएंगे टैली में उसमें देखिएगा क्रेडिट और डेबिट दोनों इक्वल होता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ में आया ना, कि यहाँ पर बताया कि परचेस कर रहा हूँ क्या मशीनरी, तो एक्सपेंस हो रहा, तो एक्सपेंस हो रहा तो क्या होगा, ये डेबिट होगा, एक्सपेंस हो रहा तो ये डेबिट होगा, और यहाँ पे कैश हम क्या कर रहे हैं, कैश को थ्रू नगद रुपया खरीद रहे हैं, ये रियल अकाउंट में आता है। और रियल अकाउंट जो कैश जब हम परचेस करेंगे तो कैश हमारा जाएगा, तो जाएगा तो ये सब क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, तो बना कि नहीं मशीनरी अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट सी आर, यानी कि 1000। अभी आप इसके नीचे नरेशन इसका लिखना चाहते हैं तो आप इसका नरेशन भी लिख सकते हैं। नरेशन में क्या लिखा जाता है, नरेशन में क्या लिख सकते हैं, क्या आप लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हैं मशीनरी परचेस फॉर कैश, ये आप अपने क्या है नरेशन में लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि मशीनरी हम परचेस की है इसके थ्रू कैश के थ्रू, ठीक है। मुझे उम्मीद है पहला आपका समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे भी देख लेते हैं, चलिए देखते हैं, इसको हटाइए, इतना समझ में आ गया होगा आपको, अब आ जाइए आगे क्या था, आगे है कि क्या है, आगे कि फर्नीचर क्या है, फर्नीचर फॉर कैश, ये भी कितना हम ले रहे हैं 1000 में भी लेंगे, अब देखेंगे इसकी जनरेटर किस पर, आप भी बताइएगा। देखिए यहाँ पे मैं बोलूँ फर्नीचर, एक मिनट, फर्नीचर
फर्नीचर, ठीक है, परचेस, परचेस फॉर कैश, कैश कितने का अभी ले रहे हैं, 1000 का अभी ले रहे हैं। आप बताइए ये इसकी जनरल एंट्री कैसे बनेगी। सेम टू सेम इफ टू कापी इसी का था, इससे जो पहले मैं बताया था वही है, बस थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज चेंज किया। लैंग्वेज क्या, बस नाम, यहाँ पे मशीनरी था, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फर्नीचर कर दिया, क्या कर दिया, फर्नीचर कर दिया। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं हुआ है, क्या हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बताता हूँ मैं, यहाँ पे मशीनरी था तो भी क्या कर रहे थे, परचेस कर रहे थे, तो किसके अंदर कट आ रहा था, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ रहा था ना। यहाँ पे फर्नीचर है, ये भी तो परचेस कर रहा है ना, तो परचेस कर रहे थे भी किसके अंतर्गत आएगी, ये भी नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगी। हम नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगी तो नॉमिनल अकाउंट का हमारा गोल्डन रूल क्या कहता है कि डेबिट आल एक्सपेंस एंड लॉस और क्रेडिट आल इनकम एंड प्रॉफिट। यानी परचेस कर रहे थे, ये भी इनकम हो रही है कि एक्सपेंस हो रही है, एक्सपेंस हो रही है भाई। मैं आपको शुरू में ही बताया था कि अगर कोई चीज़ एक्सपेंस हो, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत कोई चीज़ एक्सपेंस हो रही है तो क्या होगी, अगर आप परचेस करेंगे तो एक्सपेंस होगी, और एक्सपेंस होगी तो क्या होगी, डेबिट होगी। कोई चीज़ हम परचेस करेंगे तो एक्सपेंसिव होगी ना, और एक्सपेंस होगी तो क्या होगी, वो डेबिट होगी, और क्रेडिट यानी इनकम होगी तो क्रेडिट होगी। तो यहाँ पे हम परचेस कर रहे हैं, तो परचेस कर रहे हैं तो हम क्या हो रही है, इनकम नहीं हो रही है, एक्सपेंस हो रही है, इसलिए क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगी, डेबिट। देखिए ये क्या हो जाएगी, डीआर। डेबिट को हम डीआर के रिप्रेजेंट शॉर्टकट में इसको हम रिप्रेजेंट कराते हैं। अब आ जाइए, ये डीआर हो गई ना, परचेस अकाउंट, क्यों, क्योंकि ये परचेस हमारा क्या था, नॉमिनल था, क्या था, नॉमिनल था, और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, परचेस कर रहे थे एक्सपेंस हो रही है, इसलिए हमारा फर्नीचर क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। अब आ जाइए कैश, कैश हमारा किस प्रकार का अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में मैं आपको क्या बताया था, रियल अकाउंट में क्या बताया था कि अगर कोई चीज़ आ रही है तो वो डेबिट होगी, इनकम हो रही है तो डेबिट, और गोज आउट हो रही है तो क्रेडिट। यहाँ पे ये कैश हमारे पास इनकम हो रही है, गोज आउट हो रही है, गो आउट हो रही है भाई, क्योंकि ये हमारे पास 1000 अगर परचेस हम कर रहे हैं तो हम दुकान या जहाँ से हम परचेस कर रहे हैं उसको हम पेमेंट कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं, तो जा रही है, इसलिए क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। समझ में आया। अब देखिए इसका कैसे बनता है, उसी तरह बनता है, ठीक है, यहाँ भी वही लिखेंगे जो वहाँ पे लिखे थे, ठीक है, क्या लिखेंगे देख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डीआर, और क्या है, टू बोला था ना, हल्का सा स्पेस देंगे, टू देंगे, टू देंगे, और कैश अकाउंट, ठीक है, क्या कैसे। अब देखिए इसके आगे कैसे लिखेंगे, अब बोला था इसके अमाउंट डाल लीजिए, बस कुछ नहीं करना, इसका अमाउंट डाल लीजिए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए 1000 इसका डाल दीजिए, और इसका यहाँ से थोड़ा सा स्पेस देखिए 1000 इसका डाल दीजिए, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होता है। मैं अभी इसका फॉर्मेट बनाऊंगा, बताऊंगा इसको फॉर्मेट में कैसे हम इसको क्या करते हैं, जनरल एंट्री को हम उसमें फिल कराते हैं, बनाते हैं, क्योंकि इसका एक फॉर्मेट होता है। अभी तो हम आपको सिर्फ सिंपल सा निकालना बता रहे हैं, कैसे निकाली जाती है, जनरल एंट्री कैसे बनाई जाती है, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी, तो हम इसको फॉर्मेट बना के समझेंगे, ठीक, इसकी फॉर्मेट में कैसे की जाती है, तो चलिए देखते हैं। अब इसका नरेशन आप लिखना चाहते हैं तो इसका नरेशन भी आप लिख सकते हैं, क्या बताया था नरेशन बताइए, क्या बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, क्या बताया था, बताया था कि मशीनरी परचेस फॉर कैश, ओ सॉरी वहाँ पे मैं बीइंग लिखना भूल गया था, ठीक है, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए इसका नरेशन लिखते समय क्या लिखते हैं, पहले नंबर बीइंग लिखते हैं, मैं उसमें भूल गया था, सॉरी, आप लोग यहाँ देख लीजिए बीइंग, ठीक है, बीइंग क्या कर रहा है, फर्नीचर, फर्नीचर परचेस, परचेस
फॉर क्या? कैश। यानी कि फर्नीचर हम परचेस कर रहे हैं किसके थ्रू? कैश के थ्रू। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये इसका नरेशन बनाते हैं, यानी कि बताते हैं नरेशन में, हम बताते हैं कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं, उसको हम रिप्रेजेंट कराते हैं अपने सामने। ठीक है, इसका नरेशन बताते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते, अगर लिख सकते हैं गुड्स फर्नीचर गुड्स फॉर कैश, यानी कुछ भी आप लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, नरेशन में आप समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया ना? चलिए अगले देखते हैं, इसके बाद वाला देखते हैं। ये भी भाई सिंपल सिंपल है, आपको समझ में आ रही होगी। अब दे इसके बाद जो आगे होगी थोड़ी सी हार्ड होगी। ठीक है, इसलिए मैं सिंपल से सिंपल सिंपल चीज़ें आप लोग बता रहा हूँ, ताकि धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी, उसके बाद हम आपको एडवांस पे ले जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या है। अब मान लीजिए अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? परचेस कर रहे थे। क्या कर रहे थे? परचेस कर रहे थे। अब हम उसी चीज़ को, जिस चीज़ को परचेस किए उसी को सोल्ड करें, तो उसकी जनरेलिटी कैसे बनेगी वो आपको दिखाते हैं। देख लीजिए, मैं पहला क्या परचेस किया हूँ? मशीनरी परचेस किया हूँ ना। अब मशीनरी को ही सोल्ड कर देते हैं। देखिए आइए, यहाँ पे मशीनरी को ही क्या करते हैं? सोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं मशीनरी सोल्ड। ठीक है, सोल्ड मशीनरी सोल्ड फॉर कैश। क्या? फॉर कैश। कितने का? 1000। भाई जितने खरीदे उतना में ही बेचते हैं, कोई प्रॉफिट नहीं कमाते भी। ठीक है, तो जितने में खरीदे उतने में ही बेच देते हैं। मान लीजिए 1000 में खरीदे हैं, तो 1000 में क्या करते हैं? सोल्ड कर देते हैं। बाबा जी इसका जनरेलिटी कैसे बनेगी? आपको यहाँ भी दो अकाउंट मिल रही होगी। कौन कौन सी मिल रही है? पहली सोल्ड की मिल रही है और दूसरी कैश की। यहाँ पर आपको कैश दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको मशीनरी सोल्ड दिख रहा होगा। आप बताइए, अगर कोई हम चीज़ अगर सोल्ड करेंगे तो अब यहाँ पर एक्सपेंस होगी कि लॉस होगी? भाई अगर हम परचेस कर रहे थे तो एक्सपेंस हो रही थी। क्यों? क्योंकि उसको पैसा पेमेंट कराता है। कोई भी हम चीज़ अगर हम परचेस करेंगे तो कुछ देंगे तभी तो परचेस करें, यानी कैश देंगे तो परचेस करेंगे, तो हमारा कैश में एक्सपेंस हुआ कि नहीं? अब यहाँ पर हम सोल्ड कर रहे हैं, तो सोल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारा कैश नहीं नगद जन जो रुपया होगा वो हमारे पास आएगा, यानी कि अब इनकम होगा हमें ना। अब इनकम होगा ना, ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगी और नॉमिनल अकाउंट में ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट का हमारा गोल्डन रूल कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंस और क्रेडिट ऑल इनकम। यहाँ पर हमें जब सोल्ड करेंगे तो इनकम होगी और प्रॉफिट कमाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि अभी मानिए हम यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कमा रहे, जितने का हम परचेस किए उतने का ही सोल्ड करते हैं। लेकिन अगर मैं इसी में क्या कर दूँ, मान लीजिए मैं आपको बोल दूँ कि मैं 1000 में सोल्ड ना करके कितने में सोल्ड कर रहा हूँ? कितने में? 1100 रुपये में, यानी कि 1100। ठीक है, 1100 रुपये में हम सोल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितने का हम लोग का प्रॉफिट हुआ? 100 रुपये प्रॉफिट हुआ ना, यानी कि 100 का प्रॉफिट हुआ, कहीं हुआ हुआ ना। तो यहाँ से मतलब हम जो चीज़ मान लीजिए सोल्ड करते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या होती है? इनकम होती है और प्रॉफिट होती है। इसलिए क्या होती है? क्रेडिट होती है। क्या होती है? क्रेडिट होती है। नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत क्या होती है? क्रेडिट होती है। ठीक है, देखिए कि इसका कैसे बनाते हैं जनरल एंट्री। आ जाइए देखते हैं, ये हमारा क्या है? मशीनरी सोल्ड कर रहे हैं। ये किस में आएगी? नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगी। और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस और क्रेडिट ऑल इनकम। यहाँ पे क्या हो रहा है? इनकम की प्रॉफिट, इनकम प्रॉफिट हो रही है ना, इसलिए हमारी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? सीआर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पे इनकम और प्रॉफिट होती है वो क्रेडिट होती है। अब भैया ये कैश, कैश हमारा किस प्रकार का अकाउंट है? ये रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, क्योंकि कैश हमारा एक संपत्ति है। बताया था ना कि कैश हमारा क्या है? एक संपत्ति है। अब ये रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है कि डेबिट वाज कम इन और क्रेडिट वाज गो आउट। अच्छा ये बताइए, अगर अब हम कोई चीज़ सोल्ड करेंगे तो कैश, कैश मतलब क्या? नगद पैसा। कैश मतलब नगद हुई ना। अब नगद हमारे पास इनकम होगी कि क्या गो आउट होगी? यानी सोल्ड करेंगे तो आएगी कि जाएगी? आएगी भाई, सोल्ड करेंगे तो कोई चीज़ हमें पैसा पेमेंट कराएगा ना, तो आएगी ना हमारे पास, तो आएगी तो क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। इतनी सिंपल सी तो है, क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। अब डेबिट हो जाएगी, अब इसकी जनरल एंट्री मिल गया, हमें क्या मिल रहा था?
डेबिट और क्रेडिट यही दोनों हमको ढूंढना था। जर्नल एंट्री में हमको किसकी जरूरत होती है? सिर्फ डेबिट और क्रेडिट की। अगर डेबिट और क्रेडिट मिल गई तो सोच लीजिए उसकी जर्नल एंट्री को आसानी से आप बना सकते हैं। अब कैसे, बस इसको लिखना तो ही है क्या? पहला नंबर जर्नल एंट्री करते समय आप लोग जानते हैं, बता दूं आपको कि सबसे पहले मैं डेबिट को, हम लोग किसको डेबिट को रिप्रेजेंट कराते हैं, उसके बाद किसको क्रेडिट को रिप्रेजेंट कराते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले डेबिट कौन है? कैश है। वहाँ पर डेबिट कौन था? मशीनरी था, इसलिए हम उसको मशीनरी लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले डेबिट कौन है? कैश है, इसलिए हम यहाँ पर कैश लिखेंगे, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे, कैश अकाउंट डीआर, प्रोसेस पेज देंगे, लिखेंगे क्या, टू क्या सोल्ड कर रहे हैं, मशीनरी अकाउंट, ठीक है। अब इस दोनों का अमाउंट लिख लीजिए, मैं बता रहा था ना दोनों का अमाउंट इक्वल होना चाहिए। इसका अमाउंट कितना है? 1100। या आप इसका भी अमाउंट लिख लीजिए, इस पर देखो थोड़ा सा 1100 हुआ कि नहीं हुआ ना, या आप भी डाल लीजिए, हो गया ना, समझ में आ गया ना। अब इसका भी क्या करना है? इसका भी आपका नरेशन लिखना है, वही होगा सेम टू सेम, और कुछ नहीं, जो आप हम लिखे हैं वही लिख लीजिए। मान लीजिए हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, बीइंग, सबसे पहले हम बीइंग लिखते हैं भाई, बीइंग सोल्ड मशीनरी ठीक है, बेंग सोल्ड मशीनरी और क्या, बेंग सोल्ड मशीनरी फॉर कैश, क्या लिख देंगे, फॉर कैश, समझ में आ गया। यानी कि कोई चीज हमारी सोल्ड किए हैं, तो सोल्ड करेंगे तो वहाँ पर हमारी इनकम और क्या होगी, प्रॉफिट होगी, इसलिए वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। और रियल अकाउंट कैसे, हमारा रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में कोई चीज़ हमारे पास आती है तो क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है, इसलिए हमारी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। और उसको जनरल एंट्री में ऐसे लिख देंगे, कैश अकाउंट डी आर टू मशीनरी अकाउंट 1000, कितना है इसका, 1100, इसको लिख देंगे। और उसके बाद इसका नरेशन लिखना है तो क्या लिख देंगे, बैंक सोल्ड मशीनरी फॉर कैश, जो परचेज सोल्ड करेंगे परचेस करेंगे उसका नाम लिख देते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ में आया ना, ये भी सिंपल सी भाई, ये भी सिंपल सिंपल सी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, आगे इसके बाद क्या था, अभी हम मशीनरी परचेस किए, मशीनरी सोल्ड कर दिए, अब क्या था, फर्नीचर था ना, अब फर्नीचर को भी सोल्ड करते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं, आ जाइए। अब हम किसको, मशीनरी को सोल्ड, फर्नीचर को सोल्ड करते हैं, क्या था, फर्नीचर, फर्नीचर यहाँ डालेंगे, फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, वहाँ 1000 में बेच रहे थे, खरीद दिए हैं, तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा बढ़ा के बेच देते हैं, मान लीजिए उसको हम 1100 बेचे, इसको 1200 में बेचेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं, आ जाइए। यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो रही है, कितने ज़्यादा बेच रहे हैं, 200, तो कितने की प्रॉफिट होगी, 200 की, ठीक है, यानी कि 200 की प्रॉफिट होगी। अब आ जाइए देखते हैं इसकी जनरल एंट्री कैसे बनेगी। अब इसकी जनरल एंट्री बनाते समय हम क्या करेंगे, फिर से इसका अकाउंट इसमें ढूंढेंगे कि कौन कौन से इसमें अकाउंट है, और इसके अकाउंट ढूंढने के बाद क्या करेंगे, अकाउंट ढूंढने के बाद क्या करेंगे, इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे। तो अकाउंट कैसे ढूंढेंगे, कौन से मिल रही है, पलरी मिल रही है आपको, फर्नीचर सोल्ड, उसके बाद क्या मिल रही है, कैश। तो फर्नीचर सोल्ड कर रहा है तो ये हमारी क्या, किस प्रकार की अकाउंट है, सोल्ड कर रहा है तो ये हमारी क्या होगी, नॉमिनल अकाउंट होगी, क्या होगी, नॉमिनल अकाउंट होगी। और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है, डेबिट डेबिट आर एक्सपेंस एंड लॉस, और क्रेडिट आर रिटर्न इनकम एंड प्रॉफिट,
बताया हूँ ना। ये बताइए जब हम सोल्ड कर रहे हैं तो ये इनकम प्रॉफिट हो रही है कि एक्सपेंस हो रही है? क्या हो रही है? इनकम प्रॉफिट हो रही है कि एक्सपेंस हो रही है? यहाँ पे भाई सोल्ड कर रहे हैं तो इनकम हो रही है। क्या हो रही है? इनकम हो रही है। तो इनकम हो रही है तो इसलिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और क्रेडिट को हम किससे रिप्रेजेंट कराते हैं? सीआर से। समझ में आ गया? अब आ जाइए कैश। कैश हमारा किस प्रकार का अकाउंट है? रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है? डेबिट वाट कम इन और क्रेडिट वाट गो जाओ। ये बताइए कि यहाँ पे जब हम सोल्ड कर रहे हैं तो ये पैसा हमारे पास गोज आउट हो रही है कि कम इन हो रहा? सोल्ड कर रहे हैं तो कम इन हो रहा है ना, तो कम इन हो रहा, तो इसलिए क्या हो जाएगी? डी आर। क्या हो जाएगी? डी आर। क्योंकि मैं बताया था कि डेबिट को हम डी आर से रिप्रेजेंट कराते हैं। ठीक है, मिल गया ना? क्रेडिट और डेबिट ये दोनों ढूंढना था ना, दोनों मिल ही गया। और जनरल एंट्री में सिर्फ डेबिट और क्रेडिट मिल जाए उसके बाद हम जनरल एंट्री आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं बताया था क्या कि सबसे पहले हम किसी में किसको रखते हैं? डेबिट को रखते हैं, फिर उसके बाद क्रेडिट को। तो यहाँ पे देखिए रखे हैं, पहला देते हैं डेबिट क्या है? कैश है। इसलिए हमें क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। क्या? कैश अकाउंट डी आर टू क्या? मशीनरी अकाउंट। ठीक है, देखिए बताते हैं यहाँ पे है कैश है, इसलिए कैश अकाउंट या डेबिट में ही ना, इसलिए डेबिट, क्योंकि डेबिट सबसे पहले जनरल एंट्री में डेबिट लिखते हैं उसके बाद क्रेडिट लिखते हैं, इसलिए कैश अकाउंट डी आर टू थोड़ा सा स्पेस देंगे और टू क्या? मशीनरी है ना, सॉरी फर्नीचर है। मशीनरी पहले सोल्ड कर दिया, यहाँ पे फर्नीचर है तो फर्नीचर लिखेंगे। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट। ठीक, अब इसके बाद इसका अमाउंट डाल देंगे भाई। यहाँ पे कितने का बेच रहे हैं? 1200 का, थोड़ा सा स्पेस देंगे और 1200। ठीक है, दोनों डी आर और सी आर पे इक्वल होना चाहिए। अब इसका इसका लिखना है क्या? नरेशन लिखना। आप इसका नरेशन लिख सकते हैं। नरेशन क्या होता है? बीइंग क्या होता है? बीइंग सोल्ड क्या? फर्नीचर फॉर कैश। बीइंग सोल्ड फर्नीचर, बीइंग सोल्ड फर्नीचर फॉर क्या? कैश। कैश के थ्रू ही सोल्ड किया है ना, इसके थ्रू सोल्ड किया है कैश के थ्रू ना, इसलिए क्या लिखेंगे? कैश। समझ में आया? मुझे उम्मीद है कि ये चार एंट्री आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे इससे थोड़ा एडवांस देंगे और उसको देखेंगे कि उसको जनरल एंट्री कैसे करते हैं। अभी सिर्फ परचेस किए हैं, सोल्ड किए हैं। ठीक है, अभी परचेस सोल्ड किए हैं, अब इसके आगे हम पेमेंट कराएंगे, रिसीव कराएंगे, उसकी जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इतना क्या कीजिए, इस पर आप लोग ट्राई कीजिए और देखिए। ठीक है, धन्यवाद।